200 क्वांटिटी बाय कर दिया ना। अब देखो यही चीज़ हम लोग पेपर पर ले रहे हैं, इसमें कितना वो रहेंगे, 21,900। अभी दिखाता हूँ मैं, 21,900। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कहाँ पे क्या देख रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको रियल में बना पा रहे हो कि नहीं। अभी मैं इसमें देख रहा हूँ 40, ठीक है। अब देखो जहाँ पे भी मैंने बाई किया है इसको आराम से इसमें मैं जो है कि 35 का एसएल लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मॉडिफाई 35 का स्टार्टिंग एसएल, ठीक है। अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ क्यों यहाँ पर मैं बाई किया हूँ, ठीक है। ये हम लोग का 15 मिनट का कैंडल, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि अभी ये जो है कि गिर रहा है ना, लग रहा है कि गिर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अपने लो के पास ये जो है कि सस्टेन कर रहा है, अब लोअर लो का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, ठीक है। अब ये कैंडल अभी जो आपको बचे हुए 1 मिनट हैं इसमें ये आपको पलट के रेड में आपको लग रहा है दिखेगा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसका हाई टेस्ट करने जाएगा, और उसी में जो है कि हमारा प्रीमियम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, 830 चल रहा है ना, इनके लिए ये जो बनाया है इन्होंने इसका लो, ठीक है। अब इस कैंडल में बैंक निफ्टी बेशक वीक है, देख के पूरा इसका चार्ट लग रहा है कि बैंक निफ्टी वीक है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर ये खुद को ठीक से क्लोजिंग दे पाया, 40 सेकेंड ही बचा है, ठीक है, 40 सेकेंड में अगर ये इसको जहाँ गया था उसके पास ले जाके क्लोजिंग दे दिया, तो अगली कैंडल इसकी बहुत बेहतरीन बनेगी, तब लोग इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। हम लोग ने एंट्री पहले देखो, पहले जो एंट्री बनाता उतना ज़्यादा रिस्क रहता, लेकिन उतना ही ज़्यादा फिर बाद में उसको रिलैक्स रहेगा, क्योंकि उसका एसएल फिर नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बाद में बनाएगा फिर वहाँ से अगर लपेटेगा तो फिर जो है केसल बन जाएगा। अभी हम लोग ने इसी बेस पे जो है कि बनाया, 15 मिनट के कैंडल के बेस पे बनाया। अभी हम लोग ने इसी वीडियो में रियल ट्रेड भी बनाया, बट वहाँ पे जो है कि हम लोग का एसएल हो गया। अब सेम स्ट्रेटजी पे हम लोग ने एक और ट्रेड बनाया जो कि हम लोग ने पेपर पे बनाया है, उसमें वो है। अभी करेंट मार्केट आपको दिखा दूँ तो ऐसा नहीं कि रिलायंस गिर रहा है, रिलायंस भी बस वेट कर रहा है कि जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट गिर रहे हैं, बैंक निफ्टी जो गिर रहा है वो जो है कि थोड़ा सा वो तो देखो, निफ्टी आईटी भी पूरी तरीके से जो है कि अपने आप को होल्ड कर रहा था कि एक बार कोई साथ दे। निफ्टी तो सुबह से ही आपको उतना मतलब अपना गेन नहीं हुआ है, ठीक है, निफ्टी वेट कर रहा है बैंक निफ्टी का। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, तो बस बैंक निफ्टी थोड़ा सा वो करे उसके बाद जो है कि अभी हम लोग पे बाय है। आपको जो है कि ये देखो 41.8 चल रहा है ना, अभी ये आपको करना पड़ेगा कि थोड़ा सा बोल्डली जो है कि जब आपको लगे कि जहाँ पे ट्रेड हो है तो उसका। अब एसएल हमने 35 क्यों लिया पता है, क्योंकि जो स्पाइक देता है, अब जैसे अगर आप 15 मिनट के कैंडल को बेस बना के अगर ट्रेडिंग ले रहे हो तो इन कैंडल के स्पाइक के नीचे ही आपको जो है कि वो लगाना पड़ेगा एसएल, इसलिए मैंने यहाँ पे 35 लगा था। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब ये मेरा बढ़ेगा ना तो ये अच्छा खासा बढ़ेगा यहाँ से जो है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो थर्ड कैंडल की जो स्टार्टिंग है, अब कैसे जो चीज़ इसके जस्ट पहले बोला उसी तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। अब क्या करेगा, शुरू में जो थोड़ा दिखा रहा है ना, बस ये अपना गेन ना करे, 2-3 मिनट यहाँ पे वो करके एक मतलब कि ओपन के आसपास का ही लो बनाए, जैसे 21,757 का ओपन है तो लो भी इसका जो है कि अभी 54,53,50 चल रहा है, मतलब इसी के आसपास का जो है कि लो बनाए, बहुत नीचे ना जाए। उसके बाद अभी ये वोलेटिलिटी के लिए ही हम लोग ने एसएल नीचे लिया था, ठीक है। अब देखो 43 से ये नीचे आ रहा है, अब 43 से नीचे ये मत देखो कि ये 43 के कितना गया था, अभी देखते हैं हम लोग, ये जो है कि आपका गया था 43 गया था, ठीक है, 38। तो अभी हम लोग का एसएल इसमें सेफ है, ठीक है। और देखते हैं रिलायंस क्या कैसे बैंक निफ्टी आज, देखो इस वो है बजट है तो आज तो जाहिर सी बात है कि वोलेटिलिटी तो रहेगी रहेगी। अभी हम लोग का क्या है कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस सही से नहीं पा रहे थे, कहाँ पर मतलब कि एंट्री करें, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने इसमें किया। अभी इसको देख के ना चिंतित हो, ये पिछले कैंडल की जो क्लोजिंग है ना ये हमको वो देता है, ये तो शुरू में वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे कि भाई यहीं से फिर और गिरा दो, ठीक है। दोनों सिनेरियो हमेशा बन सकता है, जैसे कि एक तो रहता है कि देखो एक लोग तो ट्रैप होंगे, या तो बायर होंगे या तो सेलर होंगे। अब जैसे हम लोग सुबह से देखो एक तो माइंड सेटअप होता है कि माइंड सेटअप ये था कि एक लो बना के कहीं से बॉटम बना के फिर एक बार बाइंग, क्योंकि वोलेटिलिटी उसे कहते हैं जो दोनों तरफ के मूव दे, ठीक है, नहीं तो फिर उस एक तरफ क्या कहते हैं कि ट्रेंडिंग नहीं हो जाएगा। तो आज ट्रेंडिंग नहीं, आज वोलेटिलिटी रहेगी जब तक कि आपका जो है कि बजट पूरी तरीके से वो नहीं हो जाता, ठीक है। तो लेकिन ये है कि निफ्टी ने बहुत देर तक होल्ड किया बैंक निफ्टी का साथ पाने के लिए, और निफ्टी ने दो कैंडल में जो होल्डिंग किया उसमें प्रीमियम नहीं बढ़ा 15 मिनट पे, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने थोड़ा सा मिस किया यहाँ पे कि ये दो कैंडल में जो निफ्टी बढ़ा था, देखो जब तक पूरे कंपोनेंट्स और प्लस जो है कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक दिशा में नहीं एक साथ चलेंगे, चाहे कुछ ही देर के लिए चलें, तब तक आप जो है कि वो नहीं करोगे। अब निफ्टी आईटी जो है, देखो मैं सबका चार्ट करूँ, ये देखो निफ्टी आईटी का चार्ट है 15 मिनट में, अभी बेचारा इससे ज़्यादा क्या कर सकता है, हा? निफ्टी आईटी इतना वो था, अब बैंक निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी का देखो, निफ्टी आईटी का एकदम ऊपर, बैंक निफ्टी का एकदम नीचे।
HDFC देख लो, अब चूंकि बैंक निफ्टी HDFC सब उसी के कंपोनेंट है, तो उसको तो वीक होना है। एक और आपको दिखाना है, क्या बोलते हैं उसको, निफ्टी फिनेंस। और हम लोग का निफ्टी का तो ये है ही, अब जाके हम लोग का SL हिट हुआ। क्यों हिट हुआ पता है? यहाँ पे हम लोग गलत इसलिए हो गए क्योंकि ये जो निफ्टी है इसने पूरा पावर इन दोनों में झोंक दिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया। अब जब बैंक निफ्टी होल्ड करना चाह रहा था तो उसके बाद तो फिर जो है कि हालांकि इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन हुई थी, ठीक है। इसमें हम लोग ने एक SL ले लिया और इसी की जगह पे हम लोग पुट का प्रीमियम देखे, तो पुट का प्रीमियम एट द मनी का 700 चल रहा है, 700 उसके बाद का प्रीमियम जो है कि नहीं, तभी प्रीमियम में बिल्कुल स्पाइक नहीं है, ठीक है। प्रीमियम में बिल्कुल वो जो एक्सपायरी वाला वो रहता है ना, अभी वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है। एक्सपायरी वाला एट द मनी पे नहीं है जो है। तभी हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी हम लोग दोनों का एट द मनी लगा के उसमें फिर ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है क्योंकि देखो रियल में ट्रेड ले रहा था, सही स्ट्राइक प्राइस नहीं मिला जो है वो चीज़ें। अगर इसी में होता जहाँ पे एंट्री किया गया था 13842 हुआ था, तो अभी हम लोग केवल और केवल इस पर कंसनट्रेट करते हैं कि ये क्या मतलब है। अभी यहाँ पे 21,746 चल रहा है ना, 21,700 का ही लगाऊंगे, 21,700, ठीक है। जिधर जाना होगा उधर हो लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग हैं मोमेंटम ट्रेडर, ठीक है। और हम लोग का टारगेट क्या होता है कि न्यूट्रल रहना है, ठीक है। अब देखो एट द मनी का आपका 96 97, आओ इसकी वोलेटिलिटी में मज़ा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है कि है 67, ठीक। तो ये है 15 मिनट का कैंडल, ठीक। अभी भी मैं इसको लेके वही हूँ कि हम लोग का बस SL जो नहीं हिट किया होता, ठीक है, 35 लगाया वो भी हिट कर दिया। अभी डायरेक्शन में बिल्कुल वो नहीं हुआ हूँ क्योंकि नीचे से 3 कैंडल में 15 मिनट में बाई आने का मतलब समझ रहे हो। अब यहाँ से कौन डरेगा, यहाँ से अब सेलर डरेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी अब यहाँ से और गिरने को तैयार नहीं है, ठीक है। कल का पूरा गेम गिवअप कर दिया इसने, ठीक है। तो अभी यहाँ से फिर जो है कि ये गिरने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ से जब ये गिरेगा ना तो ये कंटिन्यू फिर ये पिछले वाले में आ जाएगा, मतलब कल का पूरा गेम गिवअप हो जाएगा। तो इसका 50% का रेंज इसी के आसपास बनता है, जहाँ से यहाँ पे मतलब जहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ना, 45,736 का जो एक लाइन खींचा हूँ उसी के आसपास। और निफ्टी हमारा जो है, निफ्टी तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि निफ्टी वेट कर रहा है बैंक निफ्टी का, कब तुम साथ दो तो कब हम आज का हाई जो है कि तोड़ें, ठीक है। तो फिलहाल अब है क्या कि ऊपरी सिरे पे अगर बैंक निफ्टी निफ्टी भी थोड़ा सा गिर गया होता ना, थोड़ा हल्का हो गया होता, तब फिर मज़ा आता, तब फिर उसके बाद वहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनता था निफ्टी में। हम लोग का आज टारगेट निफ्टी में ट्रेड बनाना है, बैंक निफ्टी में नहीं, ठीक है। इसलिए निफ्टी में ट्रेड बनाने के लिए आपको जो है कि निफ्टी के पर्पज़ से सोचना पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग अब अपना थोड़ा सा दिमाग खोलते हैं, ठीक है। अभी अम्मे को देखते हैं और बाकी जितने जो है कि कंपोनेंट हैं उनको देखते हैं। सुबह का जो था वो हो गया, ठीक है, सुबह का हो गया। अब ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस अभी हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि रियल वोलेटिलिटी देखना चाह रहे हैं कि एट द मनी पे भी है कि नहीं दिख रहा। आउट ऑफ द मनी तो उसके बाद देखा जाएगा। तो देखो एट द मनी पे भी आपको क्या दिख रहा है, ये देखो 10 के रेंज में कर दिया हमने, तो आपको कितना वो दिख रहा है, कुछ नहीं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि यही वो नहीं है। अब यहाँ पर जो भी लोग बाइंग कर रहे हैं उनको पता है कि यार इसको रिटेस्ट करने के लिए वो चाहिए, ठीक है। अब हालांकि EMA का थोड़ा सा जो है कि सपोर्ट मिला है, तो जब EMA का सपोर्ट मिल गया है तो फिर उसी को बेस बना के जा सकते हैं। बस बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा यहाँ पे कॉपरेट कर दे, ठीक है। और बाकी तो मॉर्निंग टाइम में ये जो इतना वोलेटाइल और छोटे छोटे प्रीमियम में कि मैक्सिमम लोग जो छोटे मोटे वो करते हैं वो सब जो है कि बजट का आनंद न ले पाए, ठीक है। देखते हैं अभी यही प्रीमियम का हम लोग सुबह से लेकर शाम तक के लिए वो देखते हैं ना। प्रीमियम तो जैसे जैसे समय बीतेगा घटता जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको शाम को जीरो होना है, ठीक है। और जैसे जैसे समय बढ़े घटेगा सॉरी बढ़ेगा, वैसे वैसे वोलेटिलिटी जो है कि बढ़ती जाएगी। तो दोनों अपने फेवर में, हम लोग को क्या चाहिए, कम प्रीमियम पे ज़्यादा वोलेटिलिटी, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हम लोग को कब मिलेंगी, थोड़ा सा जो है कि वेट करना होगा। और लेवल तो अभी नहीं समझ में आ रहा इसलिए क्योंकि यार निफ्टी अपने हाई के पास ही है, 21,800, यहाँ से बहुत स्पेस इसके पास जाने के लिए है नहीं, ठीक है। और बैंक निफ्टी जो है कि बैंक निफ्टी ने तो ठीक ठाक करेक्शन दे दिया। अब बैंक निफ्टी ठीक ठाक करेक्शन दे के यहाँ से जो है कि अगर ग्रीन बनाना शुरू किया, इसके कंपोनेंट जो है अभी तक ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि अब रेडी है 106, वही कहते हैं ना जब सब थक जाते हैं उसके बाद फिर जो है कि ट्रेड देता है। अब यहाँ से निफ्टी का ये 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, अब जा रहा है उसको ऊपर में। अब ये 100 से 116 हुआ है, ठीक है, 100 से 116
लोग। अभी समस्या ये है ना कि भैया एट द मनी के आउट ऑफ द मनी जो हम लोग देख रहे थे जिसमें हम लोग का टच हुआ है, रुको अभी दिखाता हूँ आपको कितना चल रहा है इस समय। देखो हम लोग का टच हो गया ना, लेकिन इसमें अभी शो कर रहा होगा 2700-2300 का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, 4000 का प्रॉफिट। ठीक, तो उसमें जो एसएल लगाए थे अगर वो एसएल ना टच हुआ होता तो अभी हम लोग का कितने का प्रॉफिट होता। ये मतलब हम लोग अपने ट्रेड में नहीं गलत थे, ठीक है, लेकिन हम लोग का एसएल जो है कि टच हो गया। और 21900 का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, मतलब प्लेस सही था, सब सही था, बस यही कहते हैं ना कि एंट्री भी उतना मायने रखती है जितना मतलब आपका एनालिसिस मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि आपने एकदम परफेक्ट एनालिसिस किया है, लेकिन अगर आपकी एंट्री नहीं सही है तब फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो वही 56 चल रहा है ना, वही जो हम लोग का अभी दिखा रहा हूँ आपको। अभी आपको इसमें एक बार और दिखा दें कि अगर टच न किया होता तो कितना रहता, ठीक है। ये आपका 3400-3500 दिखा रहा है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये वही स्ट्राइक प्राइस है जिसको हम लोग ने जो है कि देखा था 35 से जो है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ आपने पेपर पे चेक कर लिया, हम लोग का सब कुछ सही था ना, एनालिसिस भी सही था, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे टच कर गई, ठीक है। अब इसको रियल में कैसे, मैंने 35 का वो लिया था और लो कितने का बनाया, यही कैंडल में जो लो बनाया है आपका 31 का बनाया है ना, 31 का बनाया है। तो अब यही चीज़ है ना कि ये चीज़ नहीं मतलब समझ में आता, केवल 3 मिनट हम लोग जो है कि वो थे, जो 3 मिनट अगर बाद वही ट्रेड बनाए होते तो उसी ट्रेड में वो रहते हैं। तो कोई नहीं, अब हमेशा पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाना, ये भी दिखाना है कहाँ पे गलती हो सकती है। हाँ ये देखो मेरा सेंटीमेंट देखो कि मैं 39 के ट्रेड पे 200 क्वांटिटी पे अगर मैं 35 कैसे ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एकदम क्लियरिटी थी कि यार यहाँ से तो जो है कि वो चीज़ें होंगी। लेकिन कोई नहीं, ये स्पाइक तो हो गया, ठीक है। अगर इसका हाई कितना देके आ रहे हो अभी भाई साहब, हाई इसका 59 का है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसी स्पाइक को हम लोग पकड़ने के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो इसके हाई को टेस्ट करने गया ना, जब जो है 15 मिनट के कैंडल पे, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का कैंडल है, उसी हाई को टेस्ट करने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ये कैंडल जो स्टार्ट किया इसी में इसके हाई को टेस्ट करने जाएगा, लेकिन ये अगले में लो लगा के EMA के पास से फिर हाई को टेस्ट करने गया। मतलब इसके लो लगाने में इस कैंडल के लोगों का जो है कि चला गया असल, क्योंकि 15 मिनट के कैंडल का लो तोड़ दिया, ठीक है। और वैसे भी देख के बहुत लोग देख के एग्जिट कर रहे थे, हम लोग का असल जो है कि कैलकुलेटेड जो था वो टच हो गया, फिर उसी कैंडल में इसने जो है कि इसको यहाँ पर टच किया। अब 4 मिनट 18 सेकंड, अब इसकी क्लोजिंग जो है पता है, अभी इसको अगर साइडवेज होना होगा तो इसकी क्लोजिंग लाके इसके बीच में दे देगा, और यहीं से अगर इसको निकलना होगा तो वो तो जहाँ तक हम जानते हैं कि ये दे दिया जो देना था इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मौका मिलता है तो फिर हम लोग देखते हैं कोई, ठीक है, ओके।